उस्मान साहब, आप इस वक्त सराय में क्या कर रहे हैं? इल्बिल के खातून से मिलना है, क्या वो मौजूद है? मौजूद हैं, लेकिन वो आपको उनसे मिलने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ कैसे मिलना है। कहाँ जा रहे हो बेटा? इल्बिल के खातून को अंदर जाकर खबर दो, अर्तुरुल सरदार का बेटा उस्मान आया है। चले जाओ यहां से, मुंह मत लगो हमारे। वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। एक छोटे से बच्चे पे तलवार निकाली है तुमने। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है खातून। आओ अंदर चल के बात करते हैं उस्मान। कहो उस्मान, सुन रही हूं मैं। आप पहले अपने जमीर की आवाज सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? पहले तो शुक्रिया कि आपने मेरी जान बचाई, मेरे बाबा भी आपकी इज्जत करने लगे थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? अपने बाबा के साथ हमारे कबीले में आकर क्यों फसाद किया आपने? ये तुम क्या कह रहे हो उस्मान, मैं तुम्हें अपना भाई समझती हूं। तो फिर आपने अपने भाई से झूठ क्यों बोला इल्बिल के खातून? क्यों आपके बाबा ने अपनी हद पार की और आपने उन्हें रोका भी नहीं? तुम मेरे बाबा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप लोग यहाँ रियासत के हुक्म पर आए थे और बाबा से अपने कबीले के लिए जमीन चाहते थे, तो यकीन जानिए मेरे बाबा वो जमीन आपको खुशी से दे देते। लेकिन आप लोगों ने हद से तजावुज किया है। तुम्हारे भाई गुंदूस ने अपनी हद पार की है। आपके बाबा हमारे कबीले में लुटेरे की तरह आए, इसीलिए वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। लेकिन आपने झूठ बोलकर हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाई है, धोखा दिया है। आप मुझे बचाकर जख्मी हालत में बाबा के पास लेकर आई, फिर बाबा ने अपनी जान से बढ़कर आपकी जान को अहमियत दी। अफसोस है मुझे, बाबा को दुख होगा इस बात का। काश कि आप मुझे वहीं छोड़ देती और आपका असल चेहरा सामने ना आता। उस्मान,